हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे, आज का पेपर है ये इशू इन द 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, जो कि बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर है, जिसके पास भी सब्जेक्ट है। आज हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब लेटेस्ट पैटर्न देख लेते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका रहेगा और 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो पेपर पूरा वही आया जो हमने बताया। पहला क्वेश्चन पूछा गया विश्व इतिहास से आप क्या समझते हैं। दूसरा पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप और विश्व पर क्या परिणाम हुए। प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप और विश्व पर क्या परिणाम हुए, ठीक है। दूसरा पूछा गया, तीसरा पूछा गया यूरोप में राष्ट्र संघ का गठन क्यों हुआ, क्या ये सफल रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। चौथा पूछा गया आपका 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने रूस में समाजवाद की स्थापना कैसे की, ये भी हमने इंपॉर्टेंट में करवा रखा था। पांचवा जो था, जर्मनी में नाजीवाद के उद्योग विकास में एडोल्फ हिटलर की क्या भूमिका थी। ये जो हिटलर शब्द है ना, जैसे हिटलर दी दीदी करके एक नाटक चलता था, हिटलर जोड़ दो इसका मतलब है क्रूर, ठीक है, हिटलर की क्या भूमिका थी। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मताधिकार आंदोलन ने इंग्लैंड में क्या भूमिका निभाई, मताधिकार मतलब महिलाओं को मत देने का अधिकार। सातवां आपका, इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के विभिन्न कारण क्या थे। सातवां, आठवां आपका रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध की कैसे छिड़ गया, क्या ये हिटलर और मुसलिनी की आक्रमण नीतियों के कारण था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया आज। नौवां पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के गठन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। दसवां पूछा गया निम्नलिखित में से किन दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जनादेश प्रणाली, जापान में सैन्यवाद, फांसीवाद और पिकासो। देखिए पिकासो का भी मैंने करवा रखा था, सारे इंपॉर्टेंट देखिए सारे के पूरा पेपर मैं कहूँगा पूरा हमने बता रखा था। पेपर बहुत ईजी था और आप इसे कर सकते हो। थैंक यू।